पतंजल मीटिंग में चला पोर्न वीडियो, मचा हड़कंप, मामला दर्ज। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार। पतंजल की मीटिंग चल रही थी, देश विदेश के कई लोग बैठे थे, तभी मीटिंग में पोर्न मूवी चल गई। सवाल ये कि किसने चलाया था। ऑनलाइन मीटिंग में क्या क्या कांड नहीं होते रहते। कभी कभी किसी का फोन बज जाता है तो कभी किसी के लैपटॉप पर गाना चल जाता है, लेकिन इन सबसे भी अटपटी बात पतंजल के ऑनलाइन मीटिंग के दौरान हो गई। दरअसल एक ऑनलाइन मीटिंग के दौरान जुड़े हुए एक शख्स ने मीटिंग के दौरान ही पोर्न वीडियो चला दी। जी हाँ, एक शख्स ने पतंजल की जूम मीटिंग पर चल रही ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में पोर्न मूवी स्ट्रीम कर दी। मामला बहादुराबाद थाने के पतंजल स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र में ऑनलाइन मीटिंग से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद अश्लील फिल्म प्रसारित करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मामले में ज्ञात लोगों के लिए बहादुराबाद उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में एक मध्यवर्ती ग्राम पंचायत रिपोर्ट में बताया गया कि पतंजल रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन मीटिंग के दौरान महाराष्ट्र के पुणे से जूम के जरिए जुड़े एक युवक ने अश्लील फिल्म चला दी। ऑनलाइन मुलाकात के दौरान युवक ने अश्लील फिल्म अपलोड कर प्रसारित कर दी, जिसके बाद पतंजल की ओर से कमल भदौरिया और शिवम बालिया ने बहादुराबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने यह कहा कि यह घटना जूम मीटिंग के दौरान हुई थी, जहां पतंजल योग फूड से जुड़े कई लोग मौजूद थे। देश विदेश के लोग ऑनलाइन मंच के माध्यम से कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक ने अश्लील वीडियो अपलोड कर दिया, जो वायरल हो गया। इस मीटिंग में कई महिलाएं भी मौजूद थी। अब इस पर पुणे की यरबदा में बीकॉम कॉलेज कैंपस में रहने वाले आकाश के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और जल्द ही कार्रवाई की बात की जा रही है। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।